सरायरंजन, विद्यापतिंगा, घटहो एवं आसपास के थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका कुख्यात फिरार 25,000 रुपए का इनामी अपराधकर्मी अरुण सहनी पिता संजीव सहनी साकिन जोरपुरा थाना हलई जिला समस्तीपुर जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा किया गया गिरफ्तार। ब्यूरो चीफ राशिद परवेज समस्तीपुर बिहार। कुख्यात फिरार अपराधकर्मी अरुण सहनी को समस्तीपुर पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, जिसकी तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। मानवीय तकनीकी आसूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी कग में दिनांक -13/04/2024 को शाम में गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी ताजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर चौक के पास छिपकर रह रहा है। सूचना प्राप्त होते ही एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के सदस्यों द्वारा दिनांक -13/04/2024 की रात्रि में ताजपुर चौक के पास अरविंद सहनी के घर से तार किया गया। तार अभियुक्त अरुण सहनी पूछताछ करने पर समस्तीपुर जिला में घटित कई लूट वकैती के कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता अरुण सहनी पिता संजीव सहनी साकिन जोरपुरा थाना हलई जिला समस्तीपुर। गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास विद्यापतिंगा घटही ओ 0P0 थाना कांड संख्या -129/2023 दिनांक 12 अगस्त 2023 धारा -390/402/412 M0V0V0 एवं 25(1)(b)(a)(26/35 आर्म्स एक्ट। विद्यापतिंगा पटही ओ 0P0 थाना कांड संख्या -122/2023 दिनांक 1 जून 2023 धारा -395/412 V0V0। समस्तीपुर जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के आदेशानुसार लगातार अपराधियों को गिरफ्तारी अभियान किया जा रहा है और उनको गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अभियान में कांड के अभियुक्तों के अलावा जो इनामी अभियुक्त हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी अधिकांश की हो चुकी है। इसी कड़ी में एक अरुण सहनी जो हलई थाना के अंदर रहने वाले हैं और ये 25,000 रुपये का इनामी थे और ये काफी दिनों से छिप करके रह रहे थे। ये विद्यापति घटहो के डकैती केस में वांटेड थे और विद्यापति में ही एक आर्म्स एक्ट और जो योजना बना रहे थे डकैती की उस क्रम उसके कांड में भी वांछित थे। इन दो घटनाओं के बाद इनके द्वारा इनके पहले एक सरायरंजन में लूट की घटना की गई थी, एक CSP से लूटा गया था और लूट के क्रम में इनकी पहचान हुई थी और जिसके आधार पर इनकी खोज जारी थी। इसी क्रम में मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना का सहारा भी लिया जा रहा था। इस सूचना के क्रम में इनकी गिरफ्तारी ताजपुर थाना अंतर्गत सरायरंजन थाना प्रभारी के सहयोग से और DIU के प्रभारी अजीत प्रसाद, थाना अध्यक्ष मुश्री फैजुल अंसारी, ताजपुर थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम और अमित कुमार वेग्रह टीम के द्वारा जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। यह एक अत्यंत सराहनीय कार्य है और ये जो टीम के सदस्य हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस अभियान को और जारी रखा जाएगा और जो भी इनामी या जो भी वांछित है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित